बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की खबरों के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। नजर डालेंगे सबसे पहले शोबिज इंडस्ट्री पर। भारतीय शोबिज इंडस्ट्री के अदाकार सुहेल खान और अहलिया फैशन डिजाइनर सीमा खान ने तलाक के लिए अदालत से रिजू कर लिया है। सलमान खान और सल्लू भाई के छोटे भाई सुहेल खान और उनकी अहलिया सीमा को फैमिली कोर्ट मुंबई के बाहर देखा गया। भारतीय वेबसाइट सी इंडियन एक्सप्रेस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 20 वर्षों से अजवाजी रिश्ते से मुंसलिक जोड़ी सुहेल और सीमा की जानिब से तलाक की दरख्वास्त फैमिली कोर्ट में जमा करवा दी गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवील अरसे की अलहदगी की अफवाहों के बाद अब इस जोड़े की जानिब से तलाक का फैसला किया गया है। गुलकार आतिफ असलम ने कहा है कि फिल्म अदाकारी के जौहर दिखाने के बाद ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी फनकाराना सलाहियतों को मनवाने में कहां तक कामयाब हो सका हूं, इसका फैसला नाजरीन करेंगे। जाती तौर पर सीरियल संग माँ में काम करके बहुत लुत्फ आया, जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। कैरियर की पहली फिल्म बोल में मायरा खान के साथ काम किया था, जो मायरा खान की भी पहली फिल्म थी। अब अगर फिल्म की ऑफर हुई तो सोचूंगा। वैसे फिल्मों का शौक तो अपनी गीतों की वीडियो एल्बम से पूरा कर लेता हूं। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मंगनी से मुतालिक होने वाली क्या सराइयों से मुतालिक राज खोलते हुए मद्दाहों से तजस्सुस खत्म कर दिया। सोनाक्षी सिन्हा ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने स्विस के नाम से अपना ब्यूटी ब्रांड मुतारिफ करवाया। सोनाक्षी ने मद्दाहों से कहा कि मेरे ख्याल में आपको इतना तंग करना बहुत है, बहुत से इशारे दिए लेकिन कोई झूठ नहीं बोला, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। अदाकार ने मजीद कहा कि बिलाखिर मेरा बड़ा ख्वाब पूरा हुआ कि मैंने आज बाकायदा तौर पर कारोबारी दुनिया में कदम रखा।